उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव परिणाम के 3 महीने बाद अखिलेश यादव सपा के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। शनिवार की इस बैठक में 2022 चुनाव परिणाम के बाद यह पहली बैठक है जब वह समीक्षा कर रहे हैं। आजमगढ़ रामपुर के पदाधिकारियों के साथ अलग से समीक्षा होगी। आपको बता दें कि 10 मार्च को उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के परिणाम आए, जिसके बाद अखिलेश यादव ने 2 बार सपा के विधायकों के साथ बैठक की। पदाधिकारियों की इस पहली बैठक में यह माना जा रहा है कि आगामी चुनाव को लेकर रूपरेखा तैयार की जा रही है। आगे सपा किस तरीके से जिलेवार, मंडलवार और प्रदेश स्तरीय स्तर पर भाजपा की नीतियों के खिलाफ जन आंदोलन करेगी। इतना ही नहीं, अखिलेश यादव रामपुर और लोकसभा उपचुनाव को लेकर मंगलवार को अलग बैठक करेंगे। समाजवादी पार्टी के कोटे से खाली हुई रामपुर और आजमगढ़ लोकसभा अखिलेश यादव की प्रतिष्ठा का भी सवाल है, इसलिए अभी तक अखिलेश यादव ने आधिकारिक रूप से दोनों लोकसभा के उपचुनावों में अपने उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया है। मुस्लिम और यादव के अलावा अखिलेश यादव की नज़र दलित कोटे के वोट बैंक पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।